लोग जानते हैं और तमाम दुनिया इस बात से वाकिफ़ है कि फ़िलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म होता आया है गुज़िश्ता सालों से, और वह एक बहुत लंबा टाइम हो गया है इस बात को, तो ये चीज़ रुकनी चाहिए और ये जुल्म रुकना चाहिए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है कि हमेशा जब जब दुनिया के किसी कोने में जुल्म हुआ है तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ यहाँ के तलबाओं ने और यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया है। और आज इसीलिए हम तमाम तलबा इकट्ठा होकर इसकी जो है मजम्मत करने के लिए आए हैं कि ये जुल्म रुकना चाहिए। फ़िलिस्तीन के समर्थन में हम फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, और हमें जो है अफसोस है और हमारे दिल में तकलीफ़ भी है, और हमारी दुआ है और हमारे तमाम जितने हमारे मुस्लिम लीडर हैं उन तमाम लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि वो जो है उनका सपोर्ट करें और उनका साथ दें। जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म हैं वो तमाम जो है डक पॉइंट से बाबे सैयद तक आए हैं, और जैसा कि भाई ने बताया वाकई पिछले 70 सालों से जो फ़िलिस्तीन जुल्म का शिकार है वहाँ पर हमारी बहनें भाई बुज़ुर्ग आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि वहाँ पर हमेशा से जुल्म के शिकार होते रहे हैं और वो जुल्म अभी तक ख़त्म नहीं होता है। तो हम लोग आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक एहतजाज है हम लोगों का कि जो भी जुल्म हो रहा है वो जुल्म रुके, और हमारी दुआ भी है हमारे जो भी भाई इस दुनिया से रुख्सत हो गए अल्लाह ताला उनको मगफरत करे। और दूसरी बात ये है हमारी जो भी लीडर हैं हिंदुस्तान के और जो भी लीडर हैं पूरी दुनिया के वो फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करें, क्योंकि मज़लूम है फ़िलिस्तीन और ज़ालिम है इसराइल। वो झगड़ा नहीं है, बेसिकली वो ऑक्यूपाइड है, वो तो ज़मीन जो है इसराइल ने जो है आप उसकी हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो फ़िलिस्तीन की तो जगह उन लोगों ने ऑक्यूपाइड कर रखी है। तो फ़िलिस्तीन तो हमेशा से जुल्म का शिकार होता रहा है, इसराइल ने हमेशा से जुल्म किया है, ये कोई पहला जुल्म नहीं है। अफसोस ये है कि लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। यूक्रेन पर जब जुल्म होता है तो लोगों का ध्यान जाता है, फ़िलिस्तीन पर जब जुल्म होता है तब लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ये साफ साफ दुनिया इंटरनेशनल लेवल पर लोगों की जो है एक तरफ कह सकते हैं बाइजनेस नज़र आती है, डबल स्टैंडर्ड नज़र आता है। बहरहाल यही बात है, हम लोग आज आए थे पीसफुली, हम लोगों ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है और हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक एक तालिबे इल्म फ़िलिस्तीन के साथ। आप लोगों की जानकारी के लिए, जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि आपके हाफिजे को मेमोरी को ताज़ा करने के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग को चाहिए कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उनके भाषण को सुन लीजिए आप। उन्होंने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था कि अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि थाना सिविल लाइन पर कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें यह बात सामने आई थी कि एमयू परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली गई है और विधिक राय लेते हुए इसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है। वर्तमान समय में AMU कैंपस में शामिल मेरा हिस्सा क्या इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, जहां भारत इसराइल के समर्थन में है, वहीं कुछ मुस्लिम हमास के समर्थन में है। लेकिन अलीगढ़ से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने पूरे भारत को सुन करके रख दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हमास का समर्थन किया तो उनका योगी ने किया इलाज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 400 छात्रों ने रोड मार्च निकाला था, उन्होंने हमास के समर्थन में फिलिस्तीन के समर्थन में ला इलाह इल्लल्लाह के नारे लगाए। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन छात्रों की यह नारेबाजी महंगी पड़ गई क्योंकि UP पुलिस ने इस पे एक्शन ले लिया। अब पुलिस ने छात्रों के पैदल मार्च निकालने पर फिलिस्तीन का समर्थन करने पर फुल एक्शन ले लिया। उन्होंने जम के नारेबाजी किया और फिलिस्तीन का समर्थन किया जिस पे यह दर्ज कर लिया। थाना सिविल लाइन पर कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें यह बात सामने आई थी कि AMU परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई हैं।
इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली गई है और विधिक राय लेते हुए इसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है। वर्तमान समय में AMU कैंपस में शांति। दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 400 से अधिक छात्रों ने रात को जमकर नारेबाजी की, धर्म के खिलाफ नारे लगाए, जिससे कि वहां की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इनके सभी इन नारेबाजी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इन्होंने बिना परमिशन के मार्च निकाला है। योगी सरकार के मंत्रियों ने यूनिवर्सिटी को बंद करने के आदेश दे दिए। ये भी आतंकवादी है, तत्काल उनको ध्वस्त करना चाहिए और हिंदुस्तान को भी कार्रवाई करनी चाहिए, मैं तो स्पष्ट का व्यक्ति हूँ, और इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को तत्काल। वहीं अलीगढ़ के सांसद गौतम ने कहा है कि ये छवि को खराब कर देते हैं। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा जिस तरह से छात्रों ने प्रदर्शन किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ हैं और मैं भी घोर निंदा करता हूँ इस प्रदर्शन की। जिस तरह से यूनिवर्सिटी का माहौल है, इन बच्चों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, इनको सस्पेंड करके इन पर FIR दर्ज होना चाहिए चिन्हित। वहीं BJP प्रवक्ता ने कहा है कि इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो छात्रों की घटना है, निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। आज फिलिस्तीन और इसराइल के विवाद में जिस तरह से आतंकी हमला किया गया है, भारत की सरकार ने इसराइल के पक्ष में अपना पक्ष व्यक्त किया है, ऐसे मसले जिसमें विदेश नीति का मसला जुड़ा हो, भारत के पक्ष से अलग होकर के अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी राय व्यक्त करता है तो ये देशद्रोहिता का मामला बनता है। इस पूरे मामले का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और वहां के जिला प्रशासन को परीक्षण करना चाहिए और जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध ठोस और कठोर कार्रवाई करनी। दोस्तों, अब इन छात्रों पर क्या कार्रवाई होगी, चलो आगे नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं।